सो हे व्हाट इज द ब्रोस, कैसे आप सब लोग और स्वागत है आप लोगों का अनदर वीडियो में। तो यार आज के इस वीडियो में हमें ये देखना है कि यार कौन सी टीम इस गेम को जीतने वाली है। आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि सामने वाले की तीन है और हमारे एक ही पॉइंट है। तो अब हमें ये देखना है कि ये गेम कौन जीतेगा। उस गेम को देखने के लिए यार एंड तक बने रहिएगा। अब यार मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखता है और वो मेरे को बहुत डैमेज दे देता है और मैं भी उसे बहुत डैमेज देता हूँ। यहाँ पर मैं हील अप जैसे ही करता हूँ, मेरे लेफ्ट साइड से एक बंदा आ जाता है और मेरे टीम में टेलीपोर्ट करता है इल्यूमिनाटी। अब यार कोई हैकर नहीं बोलेगा कमेंट में नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है। अब ये जो अभी नीचे गिरा मैं उसके भरोसे इधर आ रहा था, पर यार बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। अब ये देखो कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब मैं ले लेता हूँ फामास और फेमस या फेमस जो भी बोलो, मेरी प्रोनंसिएशन में बिल्कुल मत जाना, मैं बहुत ही गंदा इन चीज़ों में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टार्जन बनता हूँ और एक और बार टार्जन बनता हूँ टार्जन और यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़े से बंदे निपटाने की कोशिश भी करता हूँ, पर आपको एक अजूबा देखने को मिलेगा। ये वो चीज़ नहीं है, ये भी टार्जन का बच्चा है मुझे पता है और अभी आने वाला है वो सीन। ये देखो अब नहीं बंदा घरों पे भी सांप बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। ये सीन देखो भाई साहब, हेड शॉट दिया हवा में नहीं मतलब छत पे। कैसा लगा ये हेड शॉट यार, कमेंट कर दो और लाइक बटन को ठोक दो भाई, अभी ठोक दो। पॉज करो वीडियो को और अभी जाओ लाइक बटन को ठोक कर आओ, सब्सक्राइब भी कर देना जा ही रहे हो तो। अब बारी आती है यार थोड़े से बंदे दबा दब पेलने की। ये बंदा दिखता है, इसको मैं बहुत डैमेज कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देता हूँ और मेरा टीममेट उसे मार के हमारे को विक्ट्री दिला देता है। इसी के साथ हम अपने पहले राउंड का बदला यहाँ पे पूरा कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑलमोस्ट सब कुछ थी तो मैं इसके बदले शॉटगन ले लेता हूँ ताकि क्लोज रेंज में हमारे थोड़ा सा हेल्प हो जाए, और एक हेलमेट ले लेता हूँ अपना सर बचाने के लिए। और अब वेट करते हैं हम बंदे निपटाने के लिए ताकि जल्दी से टाइम आउट हो जाए। और जैसे ही यह खुलता है हम इस तरह आ जाते हैं और मेरे को एक बंदा दिखता है, उसको मैं डैमेज देता हूँ। सबसे पहले इसको हेडशॉट दिया, फिर हेडशॉट दिया और ये मरा ही नहीं। कैसे नहीं मरा यार, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा यार, दो हेडशॉट में भी नहीं मर रहा यार, क्या दिक्कत है। ये बंदा दिखता है, इसको डैमेज देता हूँ और उसको अंदर भेजता हूँ ताकि बोलूँ कि बाहर मत आइए, मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। इसको मैं रिवाइव देने से पहले इधर उधर चेक करता हूँ कि कोई है नहीं। जैसे ही इसको रिवाइव देता हूँ पीछे से अटैक होता है, मैं भागता हूँ और ये मार देता हूँ। बहुत ही गुस्सा आ रहा था यार, कसम से क्या बताऊँ यार, आगे से भी बंदे आ गए, पीछे से भी बंदे आ गए, रिएक्शन करने का टाइम ही नहीं मिला यार। कोई गल नहीं, टॉमी उठाया, वेस्ट उठाया एंड वी आर रेडी एंड गुड टू गो। जैसे ये दीवार से उतरी हम सब घुस गए, सब एक्साइटेड थे, सब उछलते उछलते जा रहे हैं, हंसते खेलते जा रहे हैं कि बंदे निपटाएंगे, दवाई दब। और यहाँ पर जैसे आता हूँ हवा में मारने की कोशिश करता हूँ, पर यार तब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं इतना भी प्रो नहीं हूँ। इस बंदे को देखो, नहीं मतलब रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है, ब्रिज ब्लॉक होता नहीं है इनसे और रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। इतना जिमनास्टिक करने के बाद भी नीचे गिर गया यार, बहुत गुस्सा आ रहा था इस टाइम पे। यहाँ पर मैं अपने टीममेट से कहता हूँ कि तू आगे रश कर, जैसे कोई तेरे पे फायर करेगा मैं उसे फायर करके डैमेज दूंगा। और मैंने डैमेज दिया भी पर उसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। अब मैं उससे कह रहा था तू मेरी तरफ आता रहे, जैसे कोई तेरे को फिनिश करने के लिए बाहर आएगा तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। अब यहाँ पर एक बंदा बाहर आता है, उसको मैं डैमेज देता हूँ पर साइड से एक बंदा आकर उसे फिनिश कर देता है और मैं जोन के बाहर चला जाता हूँ। और ये कहता हूँ कि अगर मेरे को मेरा सामान नहीं मिल सकता तो किसी को भी नहीं मिलेगा।
यहाँ पर ये बंदा लिटरली मरते मरते बचता है देखो। और अभी मेरे टीममेट के साथ जो कि नॉक पड़ा हुआ है उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। म्यूजिक हमने जिसका बलिदान दिया वो उसकी बलि चढ़ जाती है और कोई फायदा भी नहीं होता है। और श्रद्धांजलि देना पड़ेगा यार हमें उसे, बहुत हेल्प की उसने। उसके चक्कर में मैंने एक बंदे को नॉक करते करते रह गया, पर कोई बात नहीं यार। अब हमने लिटरली उम्मीद ही छोड़ दी थी कि यार हम ये गेम जीतेंगे भी। और तुम भी यही सोच रहे होगे कि इसके आगे क्या होगा, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये बंदे दिखते हैं मेरे को फायर करके डैमेज देने की कोशिश करते हैं, डैमेज दे तो नहीं पता, ले जरूर लेता हूँ। 15 का डैमेज दे रहा हूँ यार, क्या हद हो गई है यार। यहाँ पे मेरा टीममेट चिल्ला रहा था रिवाइव रिवाइव, और मैं उसे रिवाइव दे देता हूँ। तभी मेरे को एक बंदे की टोपी नज़र आती है और फ्री फायर देते हुए मैं उसे अटैक करता हूँ। मैं यहाँ शॉटगन लेना चाह रहा था पर पिस्टल हाथ में आ जाती है और वो मार देता है, पर मेरा टीममेट मुझे बचा देता है और नॉक हो जाता है। नाइस भाई नाइस। यहाँ पर मैं मर जाता हूँ और अब मेरा टीममेट भी मर जाता है। और अब इन दोनों के भरोसे हम या इन दोनों की मालाएं जप रहे थे कि प्लीज़ 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 हमें हराना मत, जिता देना। और अभी तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलेगी। नहीं, तुम करना क्या चाहते हो भाई, मेरी ये समझ नहीं आ रही। मुझे लग रही है भाई कैलकुलेशन कर रहा है कि कैसे कैसे मारेगा, इसका टीममेट भी ऐसा ही कर रहा है। पता नहीं इनकी क्या नशे होते रहते हैं, इसलिए कहते हैं यार सस्ते नशे ना करा करो, ऐसी हर हालत हो जाती है। अब हम इन दोनों के भरोसे ही थे कि अगर इन्होंने एक राउंड भी जितवा दिया तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये इसको डैमेज देता है और ये वॉल बना देता है, तो अब इसे इसको कैसे भी करके ख़त्म करना था। सामने वाले के 3 बंदे थे और ये 2 थे, तो जाहिर सी बात है ओपोनेंट के ज़्यादा टीममेट्स जिंदा है। इसको डैमेज देता है, फिर से डैमेज देता है इसको, और अब ये बहुत ही क्लोज आ गया था तो ये शॉटगन निकाल लेता है। और अब देखो ये बंदा जोन के बाहर चला गया, अदरवाइज ये मतलब बराबरी का टक्कर होता, दोनों में से कोई भी जीत सकता था अगर वो जोन के बाहर नहीं जाता तो। अब ये देखो, ये भी टार्जन का बेटा। नीचे एक बंदा दिखा तुम्हें, यहाँ पर भी एक बंदा है, तो सबसे पहले ये इसे डैमेज दे के इसको नॉक कर देता है। और अब वो लास्ट बंदा था, ये दोनों बिछड़ चुके हैं। और जैसे ये नीचे कूदता है तभी भाई साहब लिटरली जैसे ही इसने ये शॉट लिया ना और ये विक्ट्री हुई, कसम से हम अपनी चेयरों से उछल गए थे कि भाई साहब हमें एक मौका मिल गया ये गेम जीतने का। और अब हम पूरा सीरियस होके खेल रहे थे। यहाँ पर मैं एक वेस्ट उठा लेता हूँ, एक हेलमेट उठा लेता हूँ और मशरूम्स भी ले लेता हूँ थोड़े से, ताकि मेरी हेल्थ टाइम टू टाइम रिकवर होती रहे। और यहाँ पर फ्री की ऑग मिल जाती है तो ले लेते हैं। अब यहाँ पर यार मैं फुल रश तो खेल रहा था, पर मैंने अपने टीममेट से कहा कि तू ना AWM ले लियो और मुझे जगह बताते रहिए जहाँ जहाँ बंदे होंगे, तो उसको वो ले लेता है और अपनी पोजीशन भी ले लेता है। और वो मेरे को बताता भी रहता है कि कहाँ कहाँ से बंदे आने वाले हैं, और मैं इस जगह पर आके थोड़ी सी कैंपिंग शैम्पिंग करता हूँ। ये बंदा दिखता है आप मेरे को और मैं उसे नॉक करने की कोशिश करता हूँ। इस साइड आता तो वो बंदा दिखता है, वो तो मेरे पर फायर नहीं करता पर मैं उस पर ज़रूर फायर करता हूँ, पर वो बच जाता है। ये बंदा आता है और यहाँ पर मैं इसे बहुत डैमेज देता हूँ, पर कोई और नॉक कर जाता है यार। एक तो मैंने इतना डैमेज लिया, ऊपर से उसको इतना डैमेज दिया, फिर भी किल नहीं मिला यार, कितना बुरा लगता है ऐसे टाइम पे। ये बंदा मेरे पे रश कर रहा था और मेरे पास एक ही मौका था और बूम, मरा कैसे नहीं है, पर बाद में मर जाता है। और मैं इसे फिनिश करने की कोशिश कर पाता हूँ पर रेलिंग की वजह से बुलेट्स उधर जाती नहीं है। सामने मेरे को एक बंदा दिख गया था जो कि बसेस के पीछे छुपा था, तो मैं साइड से होते हुए जाता ताकि उसे मेरी वो दिखे ना। और धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ता हूँ, तभी मेरे को उसकी गन ग्लिच हो रही थी तो मैं उसे हैसी मारने की कोशिश करता हूँ पर मार देता हूँ। मुझे लगा था कि वो नहीं लगेगा क्योंकि यार ये एक बग है तो नहीं होगा, पर वो लग जाता है, पता नहीं कैसे पर लग जाता है।
अब यार ये आया था बराबरी का मौका, अब हम पूरा सीरियस होके खेल रहे थे। मैंने ज़्यादा अपना सामान पैक कर लिया क्योंकि बहुत ही पैसे थे, यू नो पैसे वाले बंदे हैं, और यहाँ पर सबके लिए एक वेस्ट ड्रॉप कर देता हूँ, बहुत सारे मशरूम ड्रॉप कर देता हूँ। किसी को भी कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम सेफली खेलो, दबा के खेलो, मस्त तरीके से खेलो। अब हम वेट कर रहे दीवार उतरने का, जैसे ही दीवार उतरते हैं हम सब घुस जाते हैं एक ही घरों में, ताकि हम एक ही घर में जाके पूरा खेल सकें, और हम सारे ही इधर आ जाते हैं, लिटरली हम चारों एक ही घर में होते हैं। अब यार हमें कैसे भी करके इन्हें मारना ही था, तो अब हम सब यहीं पे बैठ के ढूंढने की कोशिश करते और वेट करते कि वो हम पे रश करे और हम चारों मिलकर उन्हें ख़त्म कर दें। अब मैं इस छत पर आ जाता हूँ और मेरा टीममेट भी कोशिश करते पर आ नहीं पाता है। सामने मेरे को एक बंदा दिखता है, उसको बहुत डैमेज देके उसे नॉक कर देता हूँ और ऑलमोस्ट फिनिश कर ही देता हूँ, पर पीछे वाले का डर था कि वो मेरे को मार ना दे, इसीलिए मैं स्लाइडिंग कर करके उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था और पहला किल ले लेता हूँ। उसे मैं बहुत फ्री फायर देता हूँ पर वो साइड से आता ही नहीं है, तो अब हमें उस पर रश करने की मतलब करना ही होगा हम उस पर रश। यहीं पर थोड़ा सा मचराने के बाद और थोड़ी सी गेड़ियाँ मारने के बाद हम सारे बंदे उस पर रश करने चले जाते हैं और हमारे दो बंदों ने ख़त्म भी कर देते। अब हम ढूंढते आखिरी बंदे को और आखिरी बंदे को मेरा टीममेट ख़त्म कर देता और इसी के साथ हमारा होता है बू। या भाई साहब, किसने सोचा था यार कि हमारे एक पॉइंट उनके तीन पॉइंट और हम ये गेम जीत जाएंगे। यार मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था, हमने तो लिटरली जब उनके तीन हो गए थे तभी उम्मीद छोड़ दी थी कि हम जीत भी सकते हैं यार। और कैसा लगा रे आपको ये गेम प्ले में कुछ ज़रूर बताना, अच्छा ही लगा होगा यार, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होते यार सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डू इट फियरलेस।